हेलो गाइस, मैं हूँ ट्रेडी। रात में मेरे चैनल सीरियल वेली में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में 10 रुपीज के जेबी डॉलर के नोट के वैल्यू बताया था, और आज की इस वीडियो में आपको 1 पैसे के ब्रॉन्ज कलर का कॉइन की वैल्यू बताने जा रहा हूँ, जो बना है 1950 से 1955, एंड उसमें एक हॉर्स भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है 1 पैसे का कॉइन, जिसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोक ऑब्जर्व में और रिवर्स में प्रेंसिंग हॉर्स फेसिंग लेफ्ट, और इसका मेटल है ब्रॉन्ज, वेट है 2.95 ग्राम, साइज है 21 mm, थिकनेस है 1.14 mm, शेप है राउंड। और गैस इसके खाली 3 ही मिनट है, मतलब ये 3 मिनट में बना है। बॉम्बे, हैदराबाद एंड कोलकाता 3 मिनट में बना है, और आप मिनट मार्क भी देख ही सकते होंगे स्क्रीन में अपने, बॉम्बे, हैदराबाद और कोलकाता के कौन से क्या होते हैं, और लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। और अभी इसका वैल्यू बताता हूँ मैं आपको। 1950 के बॉम्बे में 10 रुपीज़, 1950 कोलकाता के 10 रुपीज़, 1951 के मुंबई के 10 रुपीज़, 1951 के कोलकाता के 10 रुपीज़, 1952 के मुंबई के 10 रुपीज़, 1953 के मुंबई के 10 रुपीज़, 1953 के कोलकाता के 10 रुपीज़, 1953 हैदराबाद के 10 के, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का है ये वाला, बहुत वैल्यूबल। 1953 हैदराबाद के 10,000, फिर 1954 बम्बई के 10 रुपीज़, फिर 1954 कोलकाता के 10 रुपीज़, फिर 1954 हैदराबाद के 900 रुपीज़, फिर 1955 बम्बई के 30 रुपीज़, फिर 1955 हैदराबाद के 1500 रुपीज़। मतलब गाइस, आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि जो भी हैदराबाद के मिंट के कॉइन है वो सब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ये वाले कॉइन हैदराबाद मिंट के बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। सो गाइस, ये इसके बारे में कुछ इन्फो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।